कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते झंडूता मंडल भाजपा की ओर से झंडूता में विधायक जी आर कटवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 70 से अधिक महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान सामाजिक दूरी का भी खास ख्याल रखा गया। इस अवसर पर विधायक जी आर कटवाल ने कहा कि इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के दौरान किसी को भी रक्त की कमी महसूस ना हो, इसलिए ये रक्तदान शिविर लगाया गया। आने पर अभिवादन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आपका प्रयास भारतीय जनता पार्टी झंडूता मंडल की सोच के स्वरूप जो एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ। कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी तो युवा मोर्चा के जो हमारे सम्माननीय सदस्यगण हैं उन्होंने मेरे से बात करी कि आजकल 2 महीनों से कोरोना की वजह से हो सकता है हॉस्पिटल्स में ब्लड के बारे में स्थिति कोई ज़्यादा ठीक ना हो, और अगर ब्लड होगा भी तो कई ग्रुप ऐसे हैं उनकी कमी हो रही होगी, और मुझे इनका जो प्रस्ताव था स्वाभाविक रूप से अच्छा लगा। प्रशासन से बात की इन्होंने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की और आज के इस कैंप का आयोजन किया। एक अच्छी बात है, कल रात को मुझे बिलासपुर से टेलीफोन आया कि बी नेगेटिव ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं है, इसलिए मरीज को हम शिमला भेजना पड़ रहा है। तुरंत मुझे ध्यान आया, मैंने कहा कि हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, कल सवेरे दे देंगे। तब उन्होंने बताया कि इसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, डिलीवरी का केस है, सीजरियन बच्चा हुआ है पिछली जो डिलीवरी है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, सवेरे तक परिस्थिति कहीं और ख़राब ना हो, इसलिए इनको तो शिमला जाना ही है। परंतु भविष्य में कोई ग्रुप ऐसे हैं जो आम तौर पे नहीं मिलते, तो वो ग्रुप का ब्लड अगर हमारे पास होगा तो हमें जो व्यक्ति खून की आवश्यकता में हो उनको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, खर्चा भी बचेगा, असुविधाओं से भी जो 2-4 होना पड़ता है उसके लिए भी अगर बिलासपुर में ही उनका इलाज हो सके, और खून की कमी की वजह से बाहर जाने का जो एक परिस्थिति बनती है उससे बचाव हो सके तो अच्छा है। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सामान्य कार्यकर्ता, सम्माननीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, विभिन्न हिस्सों से आए हुए, ये आप लोगों ने जो संचालन किया इस व्यवस्था का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस ब्लड डोनेशन का आयोजन किया, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ।